तो महाराष्ट्र के बदलापुर में बवाल देखा गया और बवाल पर एक्शन हुआ। पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 40 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदलापुर में इंटरनेट सेवा आज बंद कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बिहार से तस्वीर आज सामने आई है, जहां पर महाराष्ट्र की तस्वीर है। मैं आप बदलापुर में बवाल देखा गया, पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 40 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदलापुर में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद है। दरअसल दो मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण के विरोध में पूरे देश में उबाल, तो वहीं पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, प्रशासन के खिलाफ, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ, और ऐसे में वारदात के खिलाफ लोग आक्रोशित हो गए हैं। और फिलहाल पुलिस ने एक्शन लिया है और कई लोगों पर एफआईआर की। 40 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो बदलापुर में बच्चों के साथ हुई हवानियत को लेकर कल किस तरह गुस्सा था उनकी तस्वीर पूरे देश ने देखी। आज बदलापुर के हालात कैसे हैं, अब तक पुलिस ने कार्रवाई कहां कहां तक की, कहां कहां तक कार्रवाई पहुंची और पुलिस अब क्या एक्शन ले रही है, डीसीपी मनोज पाटिल से बात की हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा ने। बदलापुर में मौजूदा हालात क्या हैं, इस पर बात करने के हमारे साथ जीआरपी के डीसीपी मनोज पाटिल साहब हैं, उनसे बात करते हैं। कल रात जिस तरह से प्रोटेस्टर्स को आप लोगों ने हिरासत में लिया, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, कुल कितने प्रोटेस्टर्स को अभी भी गिरफ्तार किया गया है और कितने एब्सकॉन्डेड हैं जिनकी तलाश आप लोग कर रहे हैं? टोटल 300 to 400 हमने आरोपी बनाए हैं, उसमें से 26 को हमने अभी तक अरेस्ट किया है। सर, कितने लोग जो हैं वो अभी भी फरार हैं और उनकी तलाशी कैसे की जाए, उनको कैसे ढूंढा जा रहा है? वो अरेस्ट की प्रोसीजर हमारी चालू है। वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई देम, सम वीडियोस आर विद अस, हम उनको देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, अभी क्या हालात हैं पूरे बदलापुर में, क्योंकि इंटरनेट सेवा यहाँ पर काम नहीं कर रही है? या इंटरनेट सेवा अफेक्टेड है, उसको बंद किया गया है, लेकिन बाकी जो मूवमेंट है रेलवे का वगैरह वो तो नॉर्मल है। बाहर भी सिचुएशन मुझे नॉर्मल ही दिख रही है। शुक्रिया सबसे बात करने के लिए। तो मनोज पाटिल साहब जीआरपी के डीसीपी हैं, जो बता रहे हैं कि इंटरनेट सेवा को यहां पर फिलहाल बंद रखा गया है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो यहां पर नॉर्मल है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा। उधर यूपी के गाजियाबाद में इंसानियत को शर्म